Hi guys, hope you all must be doing great and awesome today. I have, you know, aaj mere saath hain Rohit Gupta from Delhi Pitampura, who came in the program almost around 8 to 9 months back. And I want to share with you this thing that Rohit हमारे प्रोग्राम के फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने प्रोग्राम लिया था, ठीक है, और इन प्रीमियम कम्युनिटी में आए थे. एंड सिंस देन आई हैव बीन ट्रैकिंग हिज प्रोग्रेस. कमाल की लर्निंग उन्होंने की है और कमाल के रिजल्ट्स उन्होंने जनरेट किए हैं. अगर मैं उनके रिजल्ट्स की बात करूं तो सिर्फ 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का उन्होंने फोटोग्राफी क्लाइंट्स क्लोज किए हैं सिर्फ 2,000 रुपए मार्केटिंग में लगा के, 2 से 3,000 के करीब मार्केटिंग में लगाया है GST वगैरह लगा के मैक्सिमम. तो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू कितना मैनीफोल्ड आ रहा है, 100x रेवेन्यू निकाला है, 2000 लगा के लगभग 2000 या 3000 लगा के लगभग 3 लाख का बिजनेस निकाला है. और अभी दिल्ली में है, दिल्ली में अपना रोहित का खुद का ऑफिस है. और रोहित हैज रिसेंटली गॉट मैरिड, सो कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम, राइट, हैव द बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड विद हिज वाइफ एक्चुअली ही एक्चुअली हैंडल्स हिज फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस, राइट. सो इस डिस्कशन के अंदर, इस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर हम ये जानेंगे कि रोहित के लिए क्या क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या क्या चीजें सीखी रोहित ने, कैसे आप रोहित की लर्निंग से हेल्प ले सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज रोहित के लिए काम करी, क्या ब्रेक थ्रूज थे, क्या सीखा, क्या माइंडसेट में चेंजेस आए. और अगर रोहित की स्टोरी आपको जरा सा भी इंस्पायर करती है तो हम दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है कि फोटोग्राफी कम्युनिटी को इंस्पायर करने का, कि लोग इंस्पायर हों दूसरों की लर्निंग से, नॉट फ्रॉम बिग फोटोग्राफर्स, उन फोटोग्राफर्स जो हम जैसे ही हैं, आप जैसे ही हैं, उनसे इंस्पायर हो, तो बहुत कमाल की चीज हो जाएगी. सो रोहित, वेलकम टू दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग इन एंड विल जस्ट डिस्कस ऑन टू दिस. सो मैं बस कुछ चीजें पूछूंगा, ये कोई इंटरव्यू सेशन की तरह नहीं रहेगा, ये बहुत बहुत जनरल और बहुत ही कूल discussion rahega as a friends to between two friends and to give the value to the people, right? So Rohit, so as you said ke right now you have closed a turnover of more than 3 lakhs rupees in total photography clients and you have spent only like 3000 ke kareeb maximum ad spend kiya hai, theek hai. To sabse pehle start karte hain ke जब आप इससे पहले, जब आप मेरे मेंटरशिप के अंदर नहीं थे, हम दोनों नहीं मिले थे, तो उससे पहले आप किस तरीके से मार्केट करते थे, कैसे क्लाइंट्स लाते थे, और प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर आने के बाद क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस में, किस तरीके से आपने बदला? गॉन. ओके. सो सबसे पहले हम लोग शादी सागा या वेडमी गुड के थ्रू क्लाइंट जनरेट करते थे, बट वहां से इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला. लाइक आई स्पेंट ऑलमोस्ट 40,000 फॉर 6 months. ओके, राइट. And I got a zero leads, like zero clients. We did conversions not aaye. Yeah, zero conversation. Because the जो leads Shaadi Saga वाले देते हैं वो 10 photographers के पास जाती हैं, ठीक है. After learning from you, like mastery course, I tried this and like we have generated almost 3 lakh business as I told you. Because जो leads Facebook से generate हो रही है directly हमारे पास ही आ रही है, कोई के पास नहीं जा रहा, right? वो हम लोग पैसा spend कर रहे हैं लेकिन उसका result हमें ही मिल रहा है, कोई दूसरा person उस चीज का benefit नहीं ले रहा है. तो ये course करने के बाद सबसे पहला जो benefit है कि आपको ये पता चलता है कि आप कैसे business ला सकते हो अपने लिए. आपको किसी और पे depend नहीं होना. आपको ये नहीं देखना कि यार मैं 10,000 रुपए खर्च करूंगा मेरे को बिजनेस मिले नहीं मिले. आप अगर 100 रुपए भी खर्च कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट. और आपको ये नहीं कि एक साथ सारा पैसा स्पेंड करना है. अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके आपको वन टाइम पेमेंट करना है. ओके ओके. और कोई श्योरिटी नहीं है वहाँ पे. यहाँ पे एक चीज की श्योरिटी है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आप सारा पैसा एक साथ स्पेंड नहीं कर रहे, रुक सकते हो, देख देख के चेंज कर सकते हो स्ट्रेटजी भी. चेंज, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इस प्रोग्राम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हर किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी. ये प्रोग्राम जब देखा मैंने, बहुत डिटेलिंग में चीज आपने बताई हुई है इस प्रोग्राम में. तो एक बिगनर के लिए बहुत अच्छा कोर्स है. आई विल से कि अगर किसी को फोटोग्राफी में बिजनेस जनरेट करना है और अच्छा बिजनेस जनरेट करना है, तो he was a good thank you. Amazing. Awesome. So, Rohit, जैसा कि मैं, guys, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रोहित actually रोहित has हमें लोग, मैं रोहित का प्रोग्रेस ट्रैक करता था, बहुत फास्ट इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट सब चीजें प्रोग्राम देखे और इम्प्लीमेंट किया. तो रोहित, अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 ऐसी चीजें अगर मैं आपसे पूछूं जो आपने सीखी और आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करी आपको,
तो कौन सी चीजें होंगी? एक तो आपका मार्केटिंग कैंपेन्स हो गए थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लेजर टारगेटिंग एड्स हो गए, अगर मैं दो और पूछूं तो क्या रहेंगी रोहित आपके लिए, बताइए। सेकंड थिंग इज कि कैसे क्लाइंट से बात करनी है। आपने ये उसमें बताया इस प्रोग्राम में कि कैसे क्लाइंट से डिस्कस करना है चीजें, कैसे प्लान करनी है चीजें, कैसे आप क्लाइंट को बताओगे कि व्हाई ही लाइक ही और शी शुड चूज दिस फोटोग्राफी ब्रांड, राइट। सो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। और चीजें एक बिगनर के लिए बहुत इजी नहीं होता क्लाइंट से डीलिंग करना, तो हाउ टू डील विद द क्लाइंट, राइट। वो एक चीज बहुत अच्छी है इस प्रोग्राम में, वो मतलब मेरे को काफी अच्छा कम्युनिकेशन चीज आपने बहुत अच्छे से सीखी। अच्छा, और तीसरी अगर मैं चीज कोई आप डिस्कस शेयर करना चाहेंगे, अगर कोई तीसरी टॉप थ्री की टेकअवेज, वैसे तो बहुत की टेकअवेज होंगे आपके, अगर तीसरा कुछ मैं लूँ तो क्या आप क्या शेयर करना चाहोगे तीसरे पार्ट पे? थर्ड पॉइंट इज की जो ये प्रोग्राम है इसके बाद आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, यू कैन जनरेट योर ओन बिजनेस। क्योंकि फोटोग्राफी हर कोई कर रहा है, हर किसी के पास DSLR, बट बिजनेस कहाँ से आ रहा है, राइट। वो मेन एक इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट है वो ये कि बिजनेस कहाँ से लाओगे आप। तो ये प्रोग्राम देखने के बाद आराम से लीड्स आ रही हैं, आप उनको कन्वर्ट करो, आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो इसमें, आप लीड जनरेशन भी सीख रहे हो इसमें, आपके पास प्री वेडिंग के लिए भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं यहाँ से, आपको काफी मतलब प्रोसेस लाइक कि कैसे प्रोसेस करनी चाहिए वो सारा मतलब एक सीखने को मिल रहा है पूरे मतलब प्रोसेस एक सारी प्रोसेस। हाँ ठीक, ऑसम ऑसम ऑसम। सो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड द कंप्लीट बिजनेस वाली चीज आपने की। उससे पहले आपने जैसे बताया कि इससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहित यूज टू डू जॉब और शूट्स फॉर अदर कंपनीज, फ्रीलांसिंग करते थे रोहित शायद आप, राइट, उससे पहले, राइट, और फिर खुद अपना बिजनेस करने का डिसीजन लिया 2018 में, 3 साल हुए हैं, और अभी सीजन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पूरा लीड्स वगैरह पूरा मार्केटिंग कैंपेन्स ऑन करने की तैयारी में है वेडिंग्स के लिए, क्योंकि सीजन आ रहा है दिल्ली में खासतौर से, हम लोग दिल्ली से ही, हमारे भी कैंपेन्स दिल्ली में चलते हैं पूरे, तो दैट्स इट। और कुछ रोहित, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग कि और क्या की टेकअवेज थे, कुछ आप शेयर करना चाहोगे कि ये चीज़ आपके बिजनेस में लोगों आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है आपको, और कैसे किससे इससे किस तरीके से दूसरे फोटोग्राफी कम्युनिटी फायदा ले सकती है, वो आपको शेयर करना कुछ बताना चाहोगे? डेफिनेटली आई विल से, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बिगनर्स हैं जिनके लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि बिजनेस कहाँ से आएगा। मैंने कैमरा ले लिया, मैंने बिजनेस सेटअप कर लिया, कंपनी भी बना ली, ठीक है, मेरे पास पोर्टफोलियो भी अच्छा दिखाने के लिए, बट क्लाइंट्स नहीं है। सो सबसे मेन चीज है क्लाइंट्स लेके आना। आप थ्रू फेसबुक एड्स आप बहुत मिनिमम, जैसे कि मेरे पास 1,00,000 रुपया नहीं है मार्केटिंग के लिए, राइट, हर किसी के पास नहीं होता इतना पैसे कि वो मार्केटिंग में एक साथ लगाए, वो एक मिनिमम अमाउंट में फेसबुक एड प्ले करे, कैंपेन चलाए, और उसके एटलीस्ट 1-2 क्लाइंट जनरेट कर सकता है। 1-2 क्लाइंट जनरेट होंगे फिर उससे वही माउथ ऑफ, जैसे वेडिंग इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में चलता है रेफरेंस, राइट। व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 आई क्लोज 1 क्लाइंट फ्रॉम कैनवरा, ओके, राइट, एंड स्टिल वो क्लाइंट में हमारे साथ अभी भी, अभी हम रिसेंटली उनका मतलब मैटरनिटी शूट किया है, उनके बेबी का शूट किया है, राइट, बिकॉज ऑफ द सर्विस, कि अच्छी सर्विस आप अगर दोगे तो क्लाइंट आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार अगर कोई फेसबुक से लीड आ रही है, अगर आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक फैमिली फोटोग्राफर जिसको बोलते हैं कि यार ये फैमिली बन गए। तो मैंने 2018 से एटलीस्ट अभी तक 3 साल में ऑलमोस्ट 50 क्लाइंट्स ऐसे बनाए हैं। ओह ऑसम, 50 क्लाइंट्स, 50 क्लाइंट्स हमारे जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चलते हैं, आपके रेफरेंस देते हैं, ऑसम यार, लवली लवली, क्रेजी क्रेजी, ऑसम। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी किसी को वर्क दो, अपनी सर्विस दो, तो अच्छा काम दो, अच्छी सर्विस दो, so that he can refer you or he can hire you again and again. उसको ये ना सोचना पड़े कि नहीं यार उनके साथ नहीं जाना, ठीक है, और ये तभी होगा जब आपके पास नए क्लाइंट्स आएंगे, राइट। जब एक के बाद एक नए नए क्लाइंट्स आप जनरेट करोगे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो एक फैमिली बनती चली जाएगी आपकी। तो ये बहुत जरूरी, ये चीज सीखना आपके लिए कि कैसे नए क्लाइंट्स लाए, और वो भी बहुत मिनिमम एक अमाउंट में। awesome. तो वो है। अभी आपने एक चीज और बताई मुझे आपके कि अराउंड कितना बताया आपने कि 200 रुपया, कितना 90,000 के मैटरनिटी क्लाइंट्स आपने क्लोज किए हैं, और कितने का कितने का एड स्पेंड रहा है आपका? 1500 only. Oh my God, guys, 1500
ad spend एंड 90,000 लगभग 15 मैटरनिटी क्लाइंट्स अराउंड 6-7,000 के प्राइसिंग पॉइंट पे, ठीक है, तो लगभग 1,00,000 मान लीजिए, तो 1,500 लगा के इनटू 1,000x रेवेन्यू, माय गॉड कैन यू सी दिस क्रेजीनेस, एंड वो लोग इनको उससे जो वर्ड ऑफ माउथ बनेगा वो एक अलग बनेगा, तो ये आपका मैटरनिटी का एक अलग वर्टिकल है जो आप अपना मतलब यू जस्ट रन द मैटरनिटी शूट्स अलग से, राइट, अपार्ट फ्रॉम द वेडिंग ऑल्सो, राइट, तो ये अच्छा ठीक है। तो रोहित, अगर मैं क्लाइंट्स कन्वर्जन की बात करूं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूं कि आप बहुत सारे कोल्ड लीड से बात करते हो, नए नए लीड से बात करते हो, तो कन्वर्जेशन कैसे करते हो, किस किस क्या चीज ऐसी रहती है कि आप वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपसे, क्यों डन करते हैं आपको, क्या है ऐसा आपकी कंपनी में, आपके आपके उसमें? बेसिकली व्हाट वी डू व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग टू क्लाइंट्स, वी लाइक कि वी टेल आवर क्लाइंट्स कि योर सेफ्टी, योर कंफर्ट, your demands, your requirements are our priority. We give them like ki clients हमारे लिए सबसे पहले कि उनको क्या सर्विस चाहिए, हम समझते हैं, we don't understand our clients requirements basically. Like कुछ लोग होते हैं कि वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझने से पहले क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं कि आपका बजट क्या है. सो आई सजेस्ट पहले आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझो, उनकी नीड्स समझो कि उनको क्या चाहिए. अगर आप उनको वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल आप कर रहे हो, डेफिनेटली क्लाइंट को बजट पे कोई इश्यू नहीं होता. लाइक कि वी जनरली लाइक कि अगर कोई मैटरनिटी की क्लाइंट्स है, सो जब भी जैसे कोई लेडीज हमसे बात कर रही है जिनका मैटरनिटी शूट होना है, राइट, सो वी से जनरली कि मैम आपकी कम्फर्ट पे बात है, आप हमसे पूरा दिन शूट करा लो या एक घंटे शूट करा लो, बट आपका कम्फर्टनेस बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपको रेस्ट चाहिए, हम लोग आपको बीच में गैप देंगे आपको जब रेस्ट. सो क्लाइंट नेवर थिंक अगेन कि हमें तो इन्हीं के साथ जाना है, बिकॉज ये लोग मेरे हेल्थ की जो बिकॉज मैटरनिटी यू अंडरस्टैंड की बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, करेक्ट, तो वी प्रेफर की उनके कंफर्ट के साथ, तो वो क्लाइंट को अच्छी लगती है वो चीजें. फोटोग्राफी हर कोई कर रहा है, बट फोटोग्राफी के साथ अगर आप क्लाइंट को प्रायोरिटी दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये आपकी कम्युनिकेशन, आप क्लाइंट से उनकी सहूलियत के हिसाब से, उनके कम्फर्ट के हिसाब से अपने शूट्स को कस्टमाइज कर देते हैं. Awesome. तो मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि जब क्लाइंट आया तो प्राइसिंग की बात करते हैं, लेकिन आप बात करते हैं पहले उनके उनके लिए कैसे इजी हो सकता है पूरा शूट, राइट? डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम उनको फुलफिल कर भी पाएंगे कि नहीं. क्लाइंट कैन पे जितना चार्ज करते हो उसे डबल भी क्लाइंट पे कर सकता है, बट द थिंग इज कि क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो. Awesome. क्या आप उनको वो सर्विस दे रहे हो जो उनको चाहिए. Awesome, lovely. And I have seen you. You want to add? Go on. कुछ बोल रहे थे? We include like जब भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक, जैसे कि बहुत सारे प्री वेडिंग शूट्स होते हैं जिनमें चेंजिंग लोकेशन पे चेंजिंग के लिए बहुत इश्यूज होते हैं, तो वी एड ऑन प्रॉप्स, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग थीम्स बनाते हैं हम लोग. क्लाइंट को अगर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करवाना वो सब हम लोग समझते हैं उनसे, राइट. सो क्लाइंट को वो चीज लगती है कि अगर क्लाइंट की बातें सुन के आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, सो वो अच्छा लगता है क्लाइंट को. तो क्लाइंट के लिए आप करते हैं. Awesome. प्राइसिंग कंसर्न नहीं है, क्लाइंट कंसर्न अप्रोच रहता है आपका. Awesome, lovely. And मैंने एक चीज और देखी है कि योर वाइफ आल्सो हेल्प्स यू नो इन ऑन द शूट, सो व्हाट इज हर रोल इन योर शूट्स, कैसे हेल्प करती हैं आपको? सी लाइक मैनेज सी स्टार्ट कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स. ओह लवली, कम्युनिकेशन इज हर पार्ट. यस यस, सी मैनेज द थिंग्स ऑन द शूट्स, सी मेक श्योर कि जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी की है कि नहीं की, जो भी प्रॉप्स हमने उनको बताए कि ये सब हम कैरी करते हैं. स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट वेडिंग्स, सो वेडिंग में वी मेक श्योर, वी बोथ मेक श्योर कि जो भी क्लाइंट्स के स्पेशल गेट्स हैं उनको कवर करें हम लोग, राइट. कोई भी जो चीज क्लाइंट्स ने हमें स्पेसिफिक बताई है कि विशाली आई वांट दिस, लाइक रिसेंटली हैपेंड वी वर शूटिंग अ वेडिंग इन करनाल, एंड क्लाइंट आस्क्ड कि हमें इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाने हमारी दादी के. ओके, राइट. सो वो ग्रैंड मदर बहुत एजेड थी और वो रूम से बाहर नहीं आ रही थी, बट वी मेक श्योर कि हमें वो चीज कवर करनी है. हम रात को 12 बजे गए उनके रूम में जब कोई नहीं था, एंड वी कवर्ड दैट थिंग, राइट. सो सी मेक श्योर कि मैनेजमेंट में कोई इश्यू ना हो, टीम प्रॉपर वर्क कर रही हो, एंड कम्युनिकेशन मेनली बेसिकली सी टेक केयर. लवली यार, ऑसम ऑसम, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपना जॉब रोल किया हुआ है. ऑसम.
awesome कि आप वो कम्युनिकेशन क्लाइंट हैंडलिंग देख रहे हैं आप सारा टेक्निकल थिंग्स awesome एक चीज और रोहित जैसे आप इस प्रोग्राम में आए जब प्रीमियम प्रोग्राम के अंदर आए तो आपको आपने इससे पहले सब नहीं किया था ना मार्केटिंग कैंपेन्स ना एड्स ये सब कुछ का कोई आइडिया भी नहीं था आपको तो शुरू में जब आए तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राइंड दैट यू गो थ्रू मतलब कि सीखने में थोड़ा बहुत अनकंफर्ट तो आया होगा यार कि यार ये तो कभी किया नहीं थोड़ा टफ लग रहा है तो कुछ ऐसा रहा या इजी पीजी होता चला गया सब कुछ या चैलेंजेस आए सीखने में या कुछ कुछ उस पार्ट में ओके डेफिनेटली सो बेसिकली व्हेन आई जॉइंड योर प्रोग्राम आई थिंक लाइक ट्वाइस थ्राइस बिकॉज 5000 आई गेस इट वाज हां दैट पॉइंट ऑफ टाइम करेक्ट सो बेसिकली आई वाज यू नो फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे थे बट आई थॉट कि यार ये तो करना ही पड़ेगा 5000 ज्यादा थे मेरे लिए उस टाइम पे आज से साल पहले बट आई टुक दैट करेज कि करते हैं लेट्स डू इट 5000 करते हैं स्पैन ऑसम बिकॉज़ ये मेरे लिए नई चीज थी और व्हेन आई जॉइन योर प्रोग्राम आई वॉच दैट प्रोग्राम ऑलमोस्ट 3 or 4 times चार बार देखा आपने यस चार बार मैंने वो प्रोग्राम देखा पहली बार देखा बिल्कुल बहुत कुछ धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी सेकंड टाइम में थोड़ा सा इजी हो गई चीजें फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स कोई भी आप चीज देख रहे हो नहीं सेटअप करना एक मोबाइल पे वीडियो चला के कंप्यूटर में वो फेसबुक एड तक बनाना सेटअप करना चीजें तो थोड़ा सा टफ था फर्स्ट टाइम बट सेकंड टाइम में और इजी हो गई चीजें फिर लाइक योर टीम इज वेरी सपोर्टिव एक्चुअली लाइक आई विल थैंक आकाश एक्चुअली आई जनरली टॉक आकाश अबाउट दीज थिंग्स ये नहीं हो रहा है वो नहीं तो ही रिप्लाइड लाइक एवरी टाइम ही नेवर से किया आई एम बिजी और एवरीथिंग ही सपोर्टेड एवरी टाइम लाइक आप ऐसे कर लो एवरीथिंग सो बेसिकली आफ्टर जॉइन योर दिस प्रोग्राम कि एडवर्टीजमेंट रन करना बहुत ईजी हो गया चीजें मतलब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आई स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई सारी चीजें बहुत अच्छे से वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है बहुत अच्छे से अगर आप दो बार वीडियो देख लेते हैं you will do it I totally admire your inspiration and your zeal actually ki aap do do bar char bar bata rahe ho yaar maine life mein koi program char bar nahi dekha hoga and you have watched 4 times awesome Because it is very important, आप कोई भी चीज दो बार देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी आप उसको चार बार देखोगे और अच्छे से समझ सही में सही में करेक्ट करेक्ट बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं आप जो मिस कर देते हैं मिस कर देते हैं और वो हर बार नए तरीके से समझ में आती है कुछ ना कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी उसमें से awesome guys this is a big inspiration You can find something new every time. Correct. ये चीज़ हमने miss कर दी थी Facebook ad में अब ये नया दिखा इसमें ये नया you'll learn definitely अभी तो कुछ और भी programs ad के follow up mastery भी add हुआ है ads design mastery ads को बनाना कैसे है उसके भी नए version आपके program में मिलेगा आपको add हो रहा है और amazing तो आप वो भी देख सकते हो एक और चीज़ considering that like you have spent 1 year in your business actively doing the marketing branding and business and all agar main aapse puchu ki agle 1 saal ka vision and goal kya leke chal rahe ho aap kya goal hai kitna revenue per month target kar rahe ho kya rahega kya goals hain kyunki abhi season start hoga abhi september october se season start ho jayega delhi mein ho aap bahut zabardast aaye hain is bar kyunki covid mein jo wedding nahi ho payi sab phadafat hongi to bahut zyada hai to revenue goals kya hai planning kya chal rahi hai उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहोगे तो प्लीज गो ऑन यस यस डेफिनेटली सो बेसिकली लास्ट ईयर वी हैड डन ऑलमोस्ट 12 वेडिंग्स 12 वेडिंग करी आपने यस बिफोर द कोविड टाइम ओके राइट सो आफ्टर द कोविड मार्केट डेफिनेटली यू नो लिटिल स्लो बट नाउ दिस वेडिंग्स एंड इट्स वेरी बूम आने वाला इस बार सो वी आर प्लानिंग ऑलमोस्ट 15-20 वेडिंग्स 15-20 वेडिंग Yes, awesome, lovely. और अगर monthly revenues की बात करूं मैं रोहित तो कितना target कर रहे हो आप क्या monthly revenue सब सारे different photography business मिला के wedding से maternity से कितना तक revenue three four lakhs awesome lovely तो 4 lakh रुपए अगर आप close करोगे तो अगर 6 महीना का season लेके चलते हैं तो लगभग 24 lakh का business आप close करोगे awesome यार मैं बस एक चीज recommend करूंगा कि अपने बिजनेस को ना 1-man army की तरह लेके नहीं चलना है आपने स्टार्ट टू बिल्ड अप अ टीम अराउंड दैट यू हैव अ इन हाउस टीम या आउटसोर्स कराते हो आप
इनहाउस भी आउटसोर्स भी, हाँ। तो टीम को एक्सपेंड करो और स्केलिंग अप पे आओ। मतलब अगर आप एक वेडिंग कर रहे हो एक दिन में, तो ट्राई टू बिल्ड अप लीडर्स इन योर टीम जो आपकी दूसरी वेडिंग संभाले। जैसे आज के टाइम पे रोहित, हम लोग जैसे मेरी कंपनी है, हम लोग 5-6 से मिनिमम वेडिंग करते नहीं किसी भी डेट पे, और एक भी इवेंट पे ना मैं नहीं जाता, सिर्फ टीम के लोग जाते हैं। वो लीडर आई हैव एक्चुअली स्पॉटेड द टीम लीडर्स, और वो तो बिजनेस की तरह बिल्डअप करना स्टार्ट करो कि यार लोग भी काम करें, लोग भी पैसा कमाएं, और आप सब जगह टाइम ना दो और आप लोगों के एफर्ट से इनकम करो। एक बिजनेसमैन यही करता है, लोगों की टाइम से पैसा बनाता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट। ग्रेट ग्रेट ऑसम, ठीक है। और फॉलो अप, आपने ये कम्युनिकेशन बोला, एड्स बोले, आपने मैटरनिटी में 1500 रुपए लगा के लगभग 90,000 एक लाख का बिजनेस जनरेट किया। तो आई थिंक द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी मच ग्रेट। एंड Within one month, आपने 1500 लगा के 1,00,000 के क्लाइंट से मैटरनिटी के डन किया, वो भी लगभग 10 क्लाइंट्स बता रहे हैं, 15 क्लाइंट, अराउंड 15 क्लाइंट। तो अगर 15 क्लाइंट्स को अगर आपने अच्छा सर्विस दिया, तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको पता नहीं कितना काम आएगा इनके थ्रू। और आप बेबी शूट, बर्थडे, एंड डेफिनेटली दे गाइस रिकमेंड फॉर वेडिंग्स आल्सो यस वेडिंग्स आल्सो। अगर आप एक क्लाइंट्स को बर्थडे की अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपके पास वेडिंग के लिए कहीं ना कहीं घूम फिर के आती हैं। आ जाएंगे, करेक्ट। तो पीपल, हाँ करेक्ट। सो मैंने एक जगह पढ़ा था, और ये बात बहुत सच है, कि अगर आपने अपने 1000 क्लाइंट ऐसे जनरेट कर दिए जो कि आपके एडवोकेट से, मतलब जहां जाते हैं वो आपकी बात करते हैं, तो आपके बिजनेस में हर साल ना करोड़ रुपए का टर्नओवर सिर्फ उनके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होगा। और ये सच बात है, सिर्फ आपको वर्ड ऑफ माउथ, नए नए क्लाइंट्स को तो आना है आपके मार्केटिंग कैंपेन से, और जो उनके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ है वो होता रहेगा। इसमें एक चीज मैं अपनी कम्युनिटी में और बताता हूँ, और आपको शायद पता भी होगा, कि रेफरल पे डिपेंड नहीं होना है, अपने नए नए क्लाइंट्स को एक्सप्लोर करना है। क्योंकि आपने जो आज 6000 का शूट किया ना, वो आपको एक साल बाद बोलेगा अपने फ्रेंड को कि मैंने तो 6000 या 7000 या 10000 में कराया था। लेकिन इन्फ्लेशन तो नहीं रुक रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बिजनेस में ना लोग इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करते। तो वो जो नए क्लाइंट्स आप लेकर आते हो अपने एडवर्टीजमेंट से, वो आपको नया रेवेन्यूज देंगे। तो उनको आप बोल सकते हो अब 10,000 प्राइस है, या तो वो आपको नया बिजनेस देंगे, तो वो आप कंसिस्टेंटली ऑन, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसम। कुछ और रोहित, कुछ और शेयर करना चाहोगे, ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, या ये मैं सजेस्ट करूंगा मेरे लिए ये बिजनेस स्ट्रेटजी काम कर रही है पहले मैं। अच्छा, अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, रोहित इस पे आएंगे वाले क्वेश्चन पे, कि पहले ना जब लोग आते हैं हमारे साथ, हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में, तो थॉट प्रोसेस कुछ रहता है, और आने के बाद थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। खास जो फोटोग्राफी कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी से नहीं आती है, जो जिन्होंने MBA की डिग्रीज ले रखी हो या बहुत हायर एजुकेशन ले रखी हो और फिर बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो जब वो प्रीमियम कम्युनिटी में आते हैं और जब वो हमारे प्रोग्राम से लर्न करते हैं, तो उनके माइंडसेट में बहुत शिफ्ट आता है। तो कुछ ऐसा शिफ्ट आप शेयर करना चाहोगे कि पहले मैं ये सोचता था, अभी मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे शिफ्ट माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में चेंज आया, तो प्लीज शेयर आल्सो दैट। Yes, definitely. So before learning this thing, like how to run Facebook ads, Instagram marketing and all, so like I was not aware about these things. Like I was totally depend on other sources, third party marketing. So वो एक change हो गया कि like now I am able to generate leads. Dependency खत्म हो गई. Yes, dependency खत्म होगी. और वो भी कि एक बड़ा amount. Like I am able to convert. You know, I am able to convert the leads in a 100 rupees. I can generate leads in 100 rupees only. Awesome. I don't have to think यार मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए marketing के लिए. सबसे बड़ा कि मेरे को जैसे कि let's suppose कि when we start anything, any business, we need money. Here you can spend only 100 rupees. Anyone can do that. Clients आ जाएंगे. कोई भी photographer 100 rupees spend करके 1,00,000 का client generate कर सकता है. Awesome. ये mindset shift आया कि business करने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. आपको skills आनी चाहिए. Skills आनी चाहिए. यहाँ से मिल रही है actually में. Awesome. Lovely यार. बड़ा mindset shift है. ठीक है, क्रेजी। तो अभी विजन ये है कि 4,00,000 रुपए का टर्नओवर महीने में क्लोज करना है अगले कुछ 1-2 महीने के बाद। टीम आपकी इनहाउस तैयार है, आपकी वाइफ हेल्प कर रही है, एंड यू हैव दिस मैटरनिटी वाला वर्टिकल भी आपने स्टार्ट कर दिया, वेडिंग में आप फुल फ्लेज हैं, वेडिंग को भी आप स्केल अप कर रहे हैं। ऑसम, लवली।
और आप बात की आपने कि बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट रहा कि बिजनेस करने के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए। तो ये हम जो भी लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। यही मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे बिजनेस करने के लिए ना पैसा नहीं चाहिए, माइंडसेट चाहिए, एक हेल्दी माइंडसेट चाहिए, करने की चाह चाहिए, स्किल्स चाहिए, एंड इट कैन बी डन पॉसिबल। रोहित इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। इन राइट नाउ इन आवर कम्युनिटी मोर देन 500 पीपल आर देयर, multiple success stories are being generated and which even I am not aware about, right? So guys, if you are watching this, if you are belong to our premium community, if you have done more than 3 lakhs rupees of turnover after coming into the program, then you can send us a mail. I will document your success journey ke kaise aapne kiya, in a way that people and the community and the photographers community should get benefited out of that, because this is only the core objective and the core mission, that to make the photography a noble profession. Photographers are not able to make money only because of one reason, because they do not have the proper education of the business and marketing. They know the shooting on the YouTube. If you go, everyone is teaching about that, all the lighting, cinema, production, sound, you will find a lot of content on those topics. But education about the business and marketing, nobody is touching on that, right? And because of this lack in the education, they do not understand the business. And because they do not understand the business, they are not able to get the business, good business. And this is the core mission of the entire program, entire community, that to help the photographers by educating them in the business and marketing, so that they can have a sustainable business and they do not depend. Unko kisi pe depend hone ki zarurat nahi hai. Main बोलते बोलते इंग्लिश में चला जाता हूँ, तो किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी भी मार्केटिंग एजेंसी पे, किसी भी थर्ड पार्टी पे, खुद ही खुद कर सकते हैं। ऑसम रोहित, रोहित ठीक है गाइस। सो दिस वाज रोहित, आई थिंक वी हैव डन द अराउंड 28-29 मिनट्स डिस्कशन विद हिम, द इंटरव्यू ऑफ हिम। दिस विल बी पोस्टेड इन द नेक्स्ट वन और टू डेज, और पॉसिबली इफ माई एडिटिंग टीम इज वेरी फास्ट, दे विल जस्ट डू इट टुडे। रोहित, योर जर्नी हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग। आई पर्सनली आई विल ऑल्सो टेल यू रोहित दैट यू आर वेरी फॉर्चुनेट मैन, we are very fortunate. How I'll tell you, because you have got someone as a life partner who is helping you in your business. It is not an easy thing. Log generally apna business alag kar rahe hote hain aur life partner, wife aur ya fir koi bhi ho gaya, wo alag chal raha hota hai, lekin she is there to help you have the communication. So we are a team, and jahan pe ek ke bajaye do log aa gaye to wahan pe to maza hi aa jata hai. Main bas Rohit aapko ye karunga ki have the big vision, make a vision of around in the year 80 to 90 lakh रुपीस टर्नओवर टारगेट करो, कोई बड़ी चीज नहीं है। और सेल्स की टीम्स बनाना स्टार्ट करो दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर सेल्स वाले लोग बहुत अच्छे हैं, और इफ यू वांट माय टीम हेल्प, माय टीम कैन हेल्प यू। कोई हमारे पास से कोई लोग आते हैं, अगर कन्वर्जन्स के लिए आप चाहते हो तो हम भेज देंगे। लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट करो। राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव अ 2 पीपल सेल्स टीम, राइट, और वो दोनों ही मेरे कन्वर्जेंस लेकर आते हैं। दोनों को लगभग अराउंड 15-15 लाख का टर्नओवर का टारगेट हम लोग देते हैं, और अब ठीक है लगभग 30 लाख से करीब हम लोग वी जस्ट गिव देम द टारगेट, और इस पे काम होता है। तो अगर 30 लाख नहीं होता तो 25 तो होता है, 20 तो होता है, और 50% प्रॉफिटेबिलिटी अगर आता है तो आराम से एवरी मंथ 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट होता है, और इट इज पॉसिबल। तो मैं बोलूंगा कि अपना कैंपेन्स को, मार्केटिंग को स्केल अप करो, लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट करो, बैठो उनके साथ, और आप तो फुल टाइम यही करते हो, राइट, तो आपके पास ऑल टाइम है, और लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। बिकॉज जिग जिगलर सेड दैट यू डू नॉट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल। आप लोगों को बनाते हो एंड द पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस, लोग आपके बिजनेस बनाएंगे। तो उस थॉट प्रोसेस में जाना स्टार्ट करो, बिजनेस की तरह देखना स्टार्ट करो, एक बड़े एंटरप्रेन्योर की तरह। टीम से, टीम आपको काम करके दे, और आप टीम को मैनेज करके you make money out of that, right? Awesome guys, thank you so much Rohit for coming inside and sharing your journey with us, and hope, and I just wish that log, main yahi aasha karta hu ki log photography hamari community hai, aur jo bhi jo log photographers hain jo hamari community mein nahi hai, to aap kuch inspiration leke isse kuch seekh ke apne business mein implement kar sakte hain aur apne business ko grow kar sakte hain. Thank you so much Rohit for accepting this invite, and that's it guys. Till then guys, stay happy, stay spiritual, and stay blessed. Thank you so much for your time, and thank you so much for everyone watching it. Thank you so much, right, Rohit? Thank you so much, man, and thank you so much.